किताब पहेली, राइटर ताहिर जावेद मुगल। लास्ट एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई किताब और हर नई एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। इन दोनों के दरमियान फोन का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। वो इसे पीसीओ से फोन करती थी। इसका फोन शॉप पर आता था। जुमे के दिन ठीक 12 बजे सरमत पहले से ऐसा एहतमाम कर लेता था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। इनके दरमियान करीबन आधा घंटा बात होती थी। अब वो खुलकर एक दूसरे से रोमानवी गुफ्तगू करते थे। फोन के इंतजार में जो घड़ियां गुजरती थी उसकी करबनाकी बयान होती थी। उदास रातों का किस्सा डिस्कस होता था। दूरियों और मजबूरियों का माजरा बयान किया जाता था। अब इनकी झिझक दूर हो चुकी थी। वो एक दूसरे को इस तरह मुहातिब करते थे जिस तरह दो प्यार करने वाले करते हैं और अपने इस ताल्लुक को बिल्कुल गलत समझते थे, लेकिन फिर भी वो इसे बरकरार रखे हुए थे। शुबाना के जहन में ये बात जैसे बैठ चुकी थी कि तस्लीम को सब कुछ मालूम हो चुका है और उसने ये सब कुछ हालू उस्मानी के गोश गुजार भी कर दिया है। शुबाना को इस बात का भी रंज था कि हाल उस्मानी ने कुवैत में राहील से राब्ता किया है और उसके कानों में न जाने क्या भर दिया है कि राहील का लबो लहजा यकसर बदला हुआ है। वो बहुत कम फोन करता है और अगर करता भी है तो रुखाई से दो चार बातें करके और बच्चियों के बारे में पूछकर बंद कर देता है। सरमद ने महसूस किया कि शुबाना अपने राज के अफशा होने की जिम्मेदारी लाशौरी तौर पर तस्लीम पर डाल रही है। उसके जहन की गहराई में कहीं ये एहसास पैदा हो चुका है कि तस्लीम ने एक काया बीवी का किरदार अदा करते हुए अपने शोहर पर पूरी तरह निगाह रखी है और उसकी रोमानवी गलती को इब्तदा ही में पकड़कर बेरहमी से एहतसाब किया है। ऐसे करते हुए उसने ये भी नहीं सोचा कि इसके शोहर के लिए या शुबाना के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस पहलू से जब सरमद भी सोचता था तो उसके दिल में तस्लीम के लिए घुटन सी पैदा हो जाती थी। बीवियां शोहरों की कोताहियों से चश्मपोशी करते हुए अक्सर बड़े जरफ का मुजाहरा करती हैं और अगर ऐसा ना भी कर सकें तो कम से कम शोहरों को एक दो मौका तो जरूर देती हैं। लेकिन तस्लीम ने ऐसा नहीं किया था। अगर शुबाना का अंदाजा दुरुस्त था और सरमद का ख्याल के दुरुस्त ही है और तस्लीम ने हकीकत हाल उस्मानी से बयान की थी तो फिर वाकया इसने सख्त दिली का सबूत दिया था। एक जुमे को शुबाना का फोन आया। वो कदरे खुशगवार मूड में बोली, कहने लगी, शाम को क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, डिफेंस का ब्लू स्टार रेस्टोरेंट देखा हुआ है? हाँ, एक दो मर्तबा दोस्तों के साथ गया हूँ, स्टैंडर्ड की जगह है। रेस्टोरेंट वालों ने आपकी एक पेंटिंग लगाई है डाइनिंग हॉल में, वही शाह आलमी दरवाजे वाली पेंटिंग तो खूबसूरत थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह लगाई है वो एहतमाम भी देखने के लायक है। शायद इसी को सोने पर सुहागा कहते हैं। फिर तो देखना चाहिए, चलें, मैं भी आ जाऊंगी। कितने बजे जाएंगे आप? सरमत के सीने में जल तरंग से बच उठे। साड़ी में कसा हुआ एक पारा सिफ्त बदन याद आया। तुम कितने बजे आ सकती हो? उसने बंद होंठों से हूं की तवील आवाज निकाली और फिर बोली, हालू और हाला को 7 बजे एक शादी पर जाना है। मुलाजमा रिजवाना घर पर होगी, किरण और समन उसके पास रहेंगी। मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा। ओके, उसने कहा और हंसकर फोन बंद कर दिया। उसके लहजे में एक तपिश और एक सरकशी सी महसूस होती थी। ये सरकशी किसके खिलाफ थी? शायद अंकल उस्मानी के खिलाफ, शायद तस्लीम के खिलाफ, या फिर इन सब के खिलाफ। रात 8:30 बजे वो रेस्टोरेंट के एक फैमिली कैबिन में बैठे थे। बदन ने साड़ी को और साड़ी ने बदन को मिसाली बना दिया था। इन्होंने शाल में दरवाजे की पेंटिंग भी देखी, लेकिन पेंटिंग से ज्यादा एक दूसरे को देखा। आज निगाहों में बेबाकी थी और हाहिश अमेज चमक रुखसारों पर लश्कारे मारती थी। खाने के बाद वो वसी पार्किंग लॉट में आ गए और गाड़ी में बैठ गए। सरमन ने इसका हाथ थाम लिया। हाथ के पीछे बाजू था और बाजू के पीछे गुदास जिस्म और जिस्म में हरारत थी और इस जिस्म में सबसे ज्यादा हरारत वाले होंठ थे। आज दरमियान में फोन नहीं था। आज वो वाकई एक दूसरे के करीब थे। सांसें उलझ रही थीं और वो एक दूसरे की बाहों में थे। 2-3 मिनट इसी तरह गुजरे।
इनके एन सामने पार्क की जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी में आकर बैठ गया तो वो एक दूसरे से पीछे हट गए। शुबाना अपने मुंतशिर बालों को कानों के पीछे उड़सते हुए बोली, आपको मालूम है परसों बाजी तस्लीम ने फिर हालू को फोन किया था। मैंने अपने कानों से उसे बातें करते सुना है। हालू बाजी तस्लीम का नाम लेकर कह रहे थे, तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब का मुझे आज सुबह पता चला है। प्लीज शुबाना, पहेलियां ना बुझवाओ। भाई तनवीर ने बताया कि राहील कुवैत से वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि ईद उल फितर से पहले ही लौट आए और मुझे यकीन है कि हालू उस्मानी ने उन्हें बाजी तस्लीम की बातों से मुतासिर होकर बुलाया है। बाजी तस्लीम हमें माफ करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। शबाना के लहजे में हल्की सी तपिश थी। सरमत को लगा कि आज इन दोनों में जो मुलाकात हुई है वो दरअसल तस्लीम की कारगुजारी का जवाब है। कभी कभी तो खुद सरमत भी इस तरह की कैफियत महसूस करता था। तस्लीम की हरदम निगरान आंखों से झुंझुलाकर उसका दिल सरकशी को चाहता था। उसका दिल चाहता था कि वो फिर स्टडी में वक्त गुजारना शुरू कर दे और तस्लीम की निगरान निगाहों को नजरअंदाज करके शुबाना को फोन किया करे। चंद रोज पहले एक रात उसने ऐसा किया भी था। पेंटिंग के दौरान में वो रात तीसरे पहर तक जागता रहा। उसकी ख्वाहिश थी कि तस्लीम सो जाए और वो शुबाना से मुख्तसर हेलो हेलो करे, लेकिन रात 3 बजे तक इंतजार करने के बावजूद मौका नहीं मिल सका। तस्लीम इसके साथ मुसलसल जागती रही। उसने स्टडी और बेडरूम के दोनों दरवाजे भी खुले रख छोड़े थे। 3-4 हफ्ते मजीद गुजर गए। पार्किंग लॉट में गाड़ी के अंदर होने वाली मुख्तसर मुलाकात के बाद उन्हें फिर कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उन्हें एक दूसरे से टेलीफोनिक रबते का तरीका जरूर समझ आ गया था। इन दिनों मोबाइल फोन नए नए शुरू हुए थे। शुबाना ने मोबाइल कनेक्शन ले लिया। चंद दिन के बाद सरमद ने भी ऐसा ही किया। वो गाहे बगाहे फिर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। ईद उल फितर से 10-15 रोज पहले ही राहील कवेद से वापस आ गया। राहील के वापस आने के बाद फौरन हालात ने वही रुख इख्तियार कर लिया जिसका सरमद और शुबाना को अंदेशा था। राहील कुछ खिंचा खिंचा नजर आया। उस्मानी साहब और बाकी घर वाले तो पहले ही खिंचे हुए थे। दोनों घरानों में दूरी के आसार नमूदार होने लगे। ईद के मौके पर भी इनके दरमियान रस्मी सी मुलाकात ही हुई। राहील के पाकिस्तान आने के बाद सिर्फ एक दफा शुबाना का फोन आया था। उसने शॉप पर टेलीफोन करके बताया था कि कुछ अरसे के लिए इनकी टेलीफोनिक बातचीत मुमकिन नहीं है। उसने मुबहम सा इशारा दिया कि शायद अब राहील 5-6 माह तक कवेद वापस नहीं जाएंगे। दिन गुजरते रहे और इस दौरान दोनों घरों के ताल्लुकात भी सर्द महरी का शिकार होते रहे। सरमत को तस्लीम से कोई शिकवा नहीं था। उसने जो कुछ किया था अपनी अज़दवाजी जिंदगी बचाने के लिए किया था। मुमकिन था सरमद और शुबाना के ताल्लुक का खोज लगाने के बाद वाकई उसने अंकल उस्मानी से बात की हो और उन्हें शुबाना के हवाले से चौकस किया हो, लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी था तो ये एक फितरी रद्देअमल था। राहील के वापस आने के 3-4 माह बाद एक दफा फिर शुबाना का फोन आया। वो काफी बुझी बुझी थी। उसे बताया कि राहील मुलाजमत छोड़ने और मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रहने का प्रोग्राम बना रहे हैं। वो कुछ बीमार भी लग रही थी। उसके लबो लहजे में अफसुर्दगी और जुदाई की कसक थी। बाहर तौर उसने वाज़े अल्फाज में इरादा जाहिर किया कि वो सरमद से अपना नाता यकसर तोड़ नहीं देगी। इनकी दोस्ती बरकरार रहेगी और कभी कभी इसे फोन जरूर किया करेगी। आने वाले दिनों में सरमद और शुबाना के ताल्लुक पर मजीद ओस पड़ी। राहील ने वाकई मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रहने का प्रोग्राम बना लिया था। शुबाना के बारे में ये उड़ती उड़ती खबर इनके कानों तक पहुंची कि उसका पांव भारी है। शुबाना के लहजे में जो नकाहत सरमद ने टेलीफोन में महसूस की थी उसकी वजह भी गालबन यही थी। फिर एक रोज ये इतला मेरे कानों तक पहुंची कि राहील एक बेटे का बाप बन गया है। इस मौके पर सरमद के घर से सिर्फ सरमद की वालिदा उस्मानी साहब के यहाँ गई थी और रस्मी मुबारकबाद देकर वापस आ गई थी। वालदा की जिबानी मुझे मालूम हुआ कि राहील और तनवीर दोनों भाई मिलकर अपना कारोबार करने का इरादा रखते हैं और इसके लिए उन्होंने मुल्तान में एक बड़ा शोरूम किराए पर हासिल किया है। सरमद को महसूस होने लगा था कि अब शुबाना वाला मामला मुस्तकिल हाथमे की तरफ जा रहा है और शायद एक तरह से ये बेहतर ही था। जिस सफर को अंजाम तक पहुंचाना मुमकिन ना हो और जिसके जारी रहने में बदनामी और जगहसाई के बदतरीन अंदेशे मौजूद हो उसका खत्म होना ही बेहतर है। अपनी फोन कॉलों में कभी कभी शुबाना भी ये बात कहा करती थी।
खास तौर पर आखिरी दिनों की फोन कॉल्स में वो कहा करती थी, सरमद में ये सोचकर काम जाती हूँ कि हमारे इस सफर का अंजाम क्या होगा, हम दूर निकलते जा रहे हैं। तस्लीम शुबाना का जिक्र बहुत कम किया करती थी, बल्कि किसी वक्त तो सरमद को यूं महसूस होता था कि वो सरमद के सामने उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करती। सरमद ने भी कभी तस्लीम के सामने शुबाना का नाम नहीं लिया, उसे अजीब सी झिझक महसूस होती थी। ताहम एक रोज तस्लीम ने काफी अरसे के बाद शुबाना का नाम लिया और बोली, बेटे की पैदाइश के बाद वो बीमार रहती है, सुना है गुर्दों में कुछ तकलीफ है। अम्मी बता रही थी कि काफी कमजोर हो गई है। सरमद सर हिलाकर रह गया। उसने सोचा कि शायद तस्लीम कहे कि एक बार उस्मानी साहब के घर जाकर शुबाना की अयादत कर लेनी चाहिए, लेकिन उसकी ये तवक्का पूरी नहीं हुई। तस्लीम ने शुबाना के हवाले से दूसरी खबर सुनाते हुए कहा, अम्मी ने बताया है कि वो लोग परसों मुल्तान शिफ्ट हो गए हैं, अगर पहले पता चल जाता तो उसकी मिजाज पुरसी कराते। रोजो शब की उड़ाई हुई गर्द में अहम तरीन यादों ने भी धुंधलाना शुरू कर दिया। कम अज कम उनमें वो पहले वाली आबोताब बाकी नहीं रहती। वक्त तेजी से गुजरता रहा। सरमद कारोबारी सिलसिले में और मुसवरी जैसी दो मुतजाद मसरूफियात को साथ साथ चलाता रहा। गाहे बगाहे उसके ब्रश से कोई यादगार पेंटिंग भी तहलीक पा जाती। इस पेंटिंग की तारीफें होती तो सरमद का ध्यान आपू आप ही शुबाना की तरफ चला जाता। पता नहीं वो क्या कर रही थी, कहाँ थी, शायद वो अब भी सरमद की तस्वीरें देखती होगी, इन पर गौर करती होगी। फिर सरमद के जहन में यह ख्याल उभरता, शायद किसी दिन किसी तस्वीर के हवाले से अचानक इसका फोन आ जाए। इन लोगों को मुल्तान गए 5-6 माह हो गए थे। इस दौरान में सिर्फ एक बार लाहौर की एक संती नुमाइश में राहील से सरमद की सरसरी सी मुलाकात हो गई। उसकी जुबानी अहलेहाना का हाल अहवाल मालूम हुआ और ये भी पता चला कि शुबाना अब सेहतयाब है और उसने रोजमर्रा के कामकाज शुरू कर दिए हैं। शुबाना की तंदुरुस्ती जानकर सरमद के जहन में यह ख्याल उभरा था कि शायद किसी वक्त वो फोन पर राबते की कोशिश करेगी। सरमद लाशौरी तौर पर ऐसी किसी काल का इंतजार करने लगा, खास तौर पर जुमे के रोज दोपहर के वक्त। न चाहने के बावजूद उसके दिल के अंदर यह ख्वाहिश पैदा होती थी कि फोन की घंटी बजे और जब वो उठाए तो दूसरी तरफ शुबाना हो। इसी तरह 1.5 साल मजीद गुजर गया। वो बहार की एक बड़ी ही सुहानी और चमकदार सुबह थी। सरमद अपनी वसीओरी शॉप के बलोरी ऑफिस में बैठा हुआ था। फोन की घंटी बजी, उसने रिसीवर उठाया, 3-4 बार हेलो हेलो कहा, दूसरी तरफ से यकसर खामोशी रही। उसने रिसीवर वापस रख दिया। इत्तफाकन इस तरह की कॉल्स आ जाती हैं। सरमद को जब कभी भी कोई ऐसी कॉल आती उसका ध्यान फौरन शुबाना ही की तरफ जाता। इनका ताल्लुक बजाहिर टूट चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों सरमद का दिल कहता था कि ये ताल्लुक टूट कर भी नहीं टूटा, अभी फुल स्टॉप नहीं लगा, अभी कुछ आगे बाकी है। फोन की घंटी चंद सेकंड के वक्फे से दोबारा बज उठी। सरमद ने रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ शुबाना थी। वो सकते में रह गया। लर्जा लहजे में उन्होंने एक दूसरे को हाल अहवाल पूछा, चंद फिक्रों का तबादला किया। अल्फाज इन दोनों के होंठों से टूट टूट कर जा रहे थे। वो जैसे एकदम ही बहुत सी बातें कर लेना चाहते थे, पिछले 2.5-3 बरस की सारी बातें, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अगली रात तफसील से बात करने के वादे पर उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला मुनकता कर दिया। और फिर अगली रात आ गई, वो हफ्ते की शब थी। इत्तफाकन तस्लीम दोनों बच्चों के साथ रावलपिंडी गई हुई थी। सरमद आज फिर स्टडी में था, वही जाना पहचाना माहौल और वही जाना पहचाना सब वक्त, जिसमें कुछ भूली बसरी यादों की गूंज थी। हस्बे वादा रात ठीक 12 बजे फोन की घंटी बज उठी। सरमद ने धड़कते दिल के साथ रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ शुबाना थी। शब और शुबाना कितने हमरंग थे ये दोनों लफ्ज, रेशमी आवाज, खाबीदा लहजा, पुरहरारत ख्यालात। इनकी गुफ्तगू शुरू हुई, एक दूसरे का तफसीली हाल अहवाल पूछा। शुबाना ने सरमद को बताकर हैरान कर दिया कि वो मुल्तान से नहीं कराची से बात कर रही है। उसने कहा, राहील ने भाई तनवीर से अपना कारोबार अलहदा कर लिया है। भाई तनवीर के मशवरे से उन्होंने यहाँ कराची में जाती जगह खरीदी है और कारखाना लगाने का सोच रहे हैं। लगता है कि राहील के लिए हांसी खुशबख्त साबित हुई हो तुम। सरमद ने कहा, अगर खुशबख्ती का मतलब खुशहाली है तो आप ठीक कहते हैं। लगता है कि शायरी की लत अभी छूटी नहीं, ये लत नहीं जरूरत है बल्कि अब तो शदीद जरूरत है। वो हंसी तो सरमद के कानों में
भूले बसरे जल तरंग बच उठे। अशद जरूरत क्या मतलब? सरमद ने पूछा। मैं आपको हर बात का मतलब बताना जरूरी नहीं समझती, उसने फिर मुस्कुराते लहजे में कहा। सरमद ने तस्वीर में देखा कि मुस्कुराते हुए उसके भरे भरे ख्वाहिश अंगेज रुखसार कुछ और भी गुदास हो गए हैं। इनकी गुफ्तगु सीधे सादे अंदाज में शुरू हुई थी। बाल बच्चों का हाल अहवाल पूछा गया, काम काज की बात हुई थी, गुजरे माह के और गुजरे साल के अहम वाकयात का जिक्र हुआ था, सरमद की अहम तस्वीरों पर तबसरा किया गया था, लेकिन फिर इनका मुकालमा बदतरीज वही रंग एहतियार करता चला गया जिसे 3 साल पहले इन्हें अपने रंग में रंगा था। फिकरा फिकरा, लफ्स ब लफ्स, वो फिर उसी पुराने लबो लहजे की तरफ सिरकते चले गए। वो लौट रही थी और उसके लौटने में वही 3 साल पहले वाली आबोताब जारी थी। इस तेजरो धारे में सरमद ने 2-3 बार अपने पांव जमाना चाहे। उसने शुबाना को बताना चाहा कि अब के वक्त को आवाज देना दुरुस्त नहीं, अब इन्हें फिर से इस मंझधार में नहीं उतरना चाहिए जिसमें दायरे का सफर होता है और अंजाम भी तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन वो रुकने वाली कहाँ थी? वो हमेशा से एक नदी का सा बहाव रखती थी। उन्होंने रात 2-2.5 बजे तक बातें की, लेकिन फिर इनकी गुफ्तगू में थोड़ा सा वक्फा आ गया। शुबाना ने फौरन सरगोशी का लहजा एहतियार करते हुए कहा, किरण जा गई है, शदीद खांसी हो रही है उसे, मैं इसे दवा पिलाकर आती हूँ। मैं होल्ड करूँ या नहीं? नहीं, 10 मिनट में दोबारा रिंग करती हूँ, जरा राहिल को भी देखाऊं। वो इतनी आसानी से बात कर रही थी जैसे इतनी रात के शोहर और बच्चों को धोखा देकर एक अजनबी से बातें करना कतई गैर अहम मामला है। फोन बंद हो गया तो सरमद सोफे पर सर रखकर सोचने लगा, क्या चीज थी ये, किस मिट्टी की बनी हुई थी? सरमद एक जहां दीदा जूद फहम शख्स था, किसी और से चंद मिनट गुफ्तगू करके बता सकता था कि वो किस करेक्टर की मालिक है। उसके दिल की हतमी गवाही यही थी कि शुबाना बुरे किरदार की मालिक नहीं है। वो अपने घर और बच्चों से इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी कोई भी माँ कर सकती है। राहील के लिए भी उसके दिल में इज्जत और मोहब्बत मौजूद थी। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद वो एक नहायत ही नामुनासिब ताल्लुक भी बरकरार रखे हुए थी। ऐसा ताल्लुक जो औरत के दामन पर बदनुमा दाग की मानिंद होता है। सरमद की निगाहें फोन सेट पर जमी रही और वॉल क्लॉक के टिक टिक के साथ शुबाना की आवाज का इंतजार फिर से औत कराने वाली बीमारी की तरह सरमद के दिमाग में छुपता रहा। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो फिर फोन पर चेक रही थी। दबी दबी हंसी के साथ बोली, इस कोठी में नए नए शिफ्ट हुए हैं, सब्जी की वजह से थोड़ा बहुत मच्छर भी आ जाता है यहाँ। राहील भी कसमसा रहे थे, मैट लगा कर आई हूँ। अंकल उस्मानी भी तुम्हारे साथ हैं? सरमद ने पूछा। नहीं, वो भाई तनवीर के साथ हैं। हाला हमारे साथ हैं, फ्लू की दवा खाकर गहरी नींद सोई हैं। इतना अरसा फोन क्यों नहीं किया? आपको बताया है ना कि अपनी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही थी, फिर क्या हुआ? जाहिर है कि फेल हो गई, वो हंसी। सरमद ने घबरा कर कहा, तुम्हारी आवाज बाहर तो नहीं जा रही? ये मेरा घर है, मुझे पता है कि आवाज कहाँ तक जाती है और कहाँ तक नहीं। वैसे राहील को भी फ्लू है, वो भी भारी डोज लेकर सोए हुए हैं। सरमद ने गहरी सांस ली, तुंद रेले में फिर पांव जमाने की अधूरी सी कोशिश करते हुए कहा, शुबाना क्या हम इस सिलसिले को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते? उसने एक अंग्रेजी नज़म का टुकड़ा सुना दिया। इसका मतलब था कि इंसान के इरादों से कुछ भी नहीं होता। सरमद को ये पूरी नज़म याद आ गई, 3 साल पहले शुबाना ने मुतद्दिद बार ये नज़म गाकर सुनाई थी। किस ख्याल में खो गए हैं मुसव्वर साहब? वो शोही से बोली। नहीं, किसी ख्याल में नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, वो चहकी। मैं बता देती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे थे कि मैं ये नज़म गाकर आपको सुना रही हूँ। कहिए, ठीक ठीक अंदाजा लगाया ना? मैंने इसलिए कहा था कि तुम देवता वाले फरहाद अली तैमूर की रिश्तेदार हो। चंद सेकंड लाइन पर दिलनशी सी खामोशी तारी रही, फिर शुबाना की चंचल आवाज उभरी, कहते हैं तो गुनगुना कर सुना दो। सरमद की रगों में सनसनी की नई लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपना इश्तियाक जाहिर नहीं किया। वो इस मनमौजी के सामने खुद को पूरी तरह खोलना नहीं चाहता था। वो खुद ही बोल उठी, मैं आपकी हर रग से वाकिफ हूँ। चंद सेकंड के बाद रिसीवर पर उसकी बारीक दिलसोज आवाज उभरी। वो गा रही थी, वक्ते रफ्ता को आवाज दे रही थी
और सरमद के कानों में रस घुल रहा था। गाने गुनगुनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर दराज होता चला गया। शबाना ने कई भूली बसरी नज़में और गजलें सरमद को सुनाई। वो सरमद को अपने बहाव में बहाती चली जा रही थी। जब बात बहुत तवील होगी तो सरमद ने कहा कि तुम शायद भूल रही हो कि मोबाइल फोन पर बात हो रही है, कई सौ रुपये खर्च हो चुके हैं, आज बहुत बैलेंस है मेरे फोन अकाउंट में और मुझे ये सारी रकम जरूर ब जरूर खर्च करनी है। आप हम हाँ परेशान ना हो, वो अपने महसूस हंसते हुए लहजे में बोली। सरमद कोई मुनासिब जवाब सोचने लगा। आपने आज क्या पहन रखा है? उसने एक भोला बसरा मौजू छेड़ा। तुम खुद अंदाजा लगा लिया करती हो, 3 बरस बाद मुलाकात हो तो अंदाजे फेल हो जाया करते हैं। अच्छा तुम बताओ कि तुमने क्या पहन रखा है? वो खुश होकर बोली, मैंने हल्की गुलाबी साड़ी पहन रखी है, इस पर सफेद फूल हैं और किनारा उनाबी रंग का है, गले में सोने की चेन है, बाल जूड़े की शक्ल में बांध रखे हैं, मोती और गुलाब का एक मिक्स हार भी लपेट रखा है जूड़े पर। आपको खुशबू नहीं आ रही? उसने खिलखिलाकर पूछा। खुशबुएं तो बहुत सी आ रही हैं, सरमद ने कहा। एक तो मेरे परफ्यूम प्रोफेसी की खुशबू होगी, दूसरी मेरी लिपस्टिक की होगी और तीसरी खुशबू पता है किसकी होगी? किसकी? जनाब वही बॉडी स्प्रे जो एक ईद पर आपने और बाजी तस्लीम ने दिया था, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। बहुत खूब, सरमद ने कहा। उसके बाद शिवाना ने अपनी खफ्त रंग चूड़ियों, हम रंग नेल पॉलिश और हम रंग झुमकों के बारे में भी बताया। उसने अपने पूरे कमरे का नक्शा भी सरमद के सामने खींचा। यहाँ दबीज ईरानी कालीन था, 2 जगमगाते फानूस थे, एक खिड़की को बैबून बेलू ने ढांप रखा था, दूसरी खिड़की से रात की रानी के पौधे नजर आते थे जो चांदनी में नहाए हुए थे। अचानक शिवाना ने पूछा, लेट गए हैं आप? सरमद ने अस्पात में जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि आप सोफे पर लेटे होंगे, दाएं तरफ करवट ले रखी होगी आपने, हमेशा ठीक अंदाजे लगाती हो। चंद लम्हे फोन में जज्बाती खामोशी तारी रही, फिर शिवाना की झलकती हुई बोझल आवाज सुनाई थी, मैं भी लेटी हुई हूँ, भूला बसरा है जान। सरमद के लहू में हलचल मचाने लगा, सांसों की लय चढ़ने लगी। वही बचकाना खेलता लेकिन किस कदर हकीकी लगता था। 800 मील का फासला था और वो तस्वुर ही तस्वुर में एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने लगे। कितनी दूरी थी लेकिन कितना कुर्ब था। खानदान, समाज और रवाज की उठाई हुई सारी दीवारें एक ही झटके में ढह गई थीं। वो लेटे रहे, इनकी सांसों में सरगोशियां उभरती रहीं। कितने करीब हैं हम, शिवाना की जज्बात से बोझल आवाज उभरी। सरमद ने बंद होंठों से इकरार किया। आप सीधे लेट जाएं। क्यों? सीधे लेट जाएं ना, उसने महमूर सरगोशी की। अच्छा लेट गया, आपके सीने पर सर रख लो। रख लो, चंद लम्हों के बाद उसने कहा। मेरा सर आपके सीने पर है ना? सरमद ने फिर बंद होंठों से इकरार किया। थोड़ी देर के बाद उसने पूछा, कल मेरे फोन का इंतजार करेंगे ना? बोल बोलकर शायद थक गए हैं आप, चलें कुछ देर इसी तरह खामोश लेटे रहते हैं। ठीक है, सरमद ने कहा। लाइन पर खामोशी रही, दोनों लेटे रहे, एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। पता नहीं किस वक्त सरमद की आंख लग गई। आंख खुली तो रिसीवर सोफे से नीचे लुढ़का हुआ था। उसे बौखला कर रिसीवर उठाया और हेलो हेलो किया, लेकिन सिलसिला मुनकता हो चुका था। शिवाना न जाने कब तक मुझको पुकारती रही थी, फिर जाहिर है उसने फोन बंद कर दिया होगा। सरमद को यकीन था कि अगली रात शिवाना का फोन फिर आएगा, लेकिन फोन नहीं आया। उससे अगली रात भी नहीं आया, अगले 2 हफ्ते तक नहीं आया। तवील गुफ्तगु के दौरान सरमद ने शिवाना का फोन नंबर पूछा था लेकिन कहीं लिखा नहीं था। शायद जरूरत ही नहीं समझी थी, उसे पता था कि जब भी फोन करना हो शिवाना खुद ही करती है। अब पता नहीं वो क्यों नहीं कर रही थी। शिवाना का कराची का एड्रेस अलबत्ता सरमद को जुबानी याद था। इस दौरान में एक दोस्त के जरिए इस बात की तस्दीक भी हो गई थी कि राहिल और शिवाना कराची में मुकीम है। इस वाक्य को पूरा 1 माह गुजर गया। अपने काम की गरज से सरमद का कराची जाना हुआ। उसे दिल में तय कर रखा था कि राहिल और शिवाना से जरूर मिलेगा, वो अपनी मुलाकात को इत्तफाकिया मुलाकात का रंग दे सकता है। बहरहाल
उसे इस किस्म का कोई बहाना बनाने की जरूरत पेश नहीं आई। कराची में इसके क्याम का दूसरा रोज था जब होटल में इसके कमरे का दरवाजा खुला और उसने राहील को अपने सामने पाया। अरे राहील, तुम यहां? सरमत भोन चक्का रह गया। अखबार में आपके बारे में खबर पड़ी थी, आप किसी तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह में शरीक होने के लिए आए हैं गालबन। सरमत ने ताईद की। रस्मी कलमात का तबादला हुआ। सरमत ने बातों के दौरान में ही अमूमी अंदाज में शुबाना और बच्चों के बारे में पूछा। शुबाना का तो पिछले माह इंतकाल हो गया, राहील ने कहा, और उसका गला आंसुओं की योरश में रुंध गया। क्या कह रहे हो? सरमत हैरत से चीख पड़ा। राहील सिसकियां लेने लगा। सरमत सख्ती की हालत में बैठा था। वो क्यामत हेज घड़ियां थी। कुर्बो जवार सरमत की निगाहों में घूम रहे थे। अगले आधे घंटे में उसे वो सब कुछ मालूम हो गया जो दिल को खून करके आंखों के रास्ते बहाने के लिए काफी था। शबाना की मौत करीबन 5 हफ्ते पहले हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब हुई थी। सरमत को याद आया कि ये वही शब थी जब शबाना ने उसे आहरी कॉल की थी, करीबन 5 घंटे पर मुश्तमिल आहरी कॉल। सरमत ने दिलगीर लहजे में राहील से पूछा, लेकिन तुमने तो आहरी मुलाकात में मुझे बताया था कि वो ठीक हो गई है। वो वक्ती अफाका था। चंद रोज बाद वो फिर बिस्तर से लग गई थी। उसके बाद आहरी सांस तक उठ नहीं सकती। तो तुम्हारा मतलब है कि वफात के वक्त भी वो शदीद बीमार थी? मैंने आपको बताया है ना कि पिछले 2 साल से वो बिस्तर पर ही रही है। आहरी 4 माह तो उसने मुसलसल अस्पताल में गुजारे हैं। हर 8-10 रोज बाद गुर्दे वॉश करना पड़ते थे। हड्डियों का ढांचा बन गई थी, बाल झड़ गए थे। तुम कहना चाहते हो कि 15 मार्च हफ्ते की रात जब उसका इंतकाल हुआ तो वो अस्पताल में ही थी? जी हाँ, एक दिन पहले तो वो 3 घंटे बेहोश रही थी। ऑक्सीजन, खून, ग्लूकोज, पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ था उस वक्त। मैं प्राइवेट रूम में उसके पास ही था। हफ्ते की रात मुझसे कहने लगी, आज मैं कुछ ठीक हूँ, तुम आज रात बच्चों को कंपनी दो। उसने मुझे इसरार करके भेज दिया। बाद में मुझे पता चला कि उसने रात सुकून से गुजारने के लिए बेहद इसरार करके दर्द के 3 तेज इंजेक्शन एक नर्स से लगवाए। इसके अलावा सांस दुरुस्त रखने वाली गोलियां भी ट्रिपल डोज अज खुद फांक ली। यूं लगता था कि अब वो अपनी दर्द से तड़पती हुई जिंदगी को खुद भी ज्यादा तोल नहीं देना चाहती। सुबह के वक्त जब नर्स ने देखा कि वो सफेद तकिए पर अपना सर रखे बड़े ही सुकून से सो रही थी, यूं लगता था कि दवाओं, मशीनों और नालियों में घिरा हुआ उसका ढांचा अचानक सुकून पा गया है। राहील का लहजा एक बार फिर भीग गया। सरमत के जहन में आंधी चल रही थी। तो वो सब कुछ क्या था? इतना बड़ा झूठ, ऐसा मुकम्मल फरेब। वो खूबसूरत कमरा, वो बेलू से ढकी हुई खिड़की, वो चांदनी में रात की रानी के पौधे, वो सब कुछ नहीं था। उसकी जगह ऑक्सीजन की नालियां थीं, खून और ग्लूकोज के झूलते हुए बैग थे, खौफनाक आवाज वाली टेस्ट रिपोर्टों की फड़फड़ाहट थी, हाली सुरंजे, दागदार रुई के पन्ने, खून आलूद टिश्यू पेपर्स और पता नहीं क्या कुछ। फिर एक एक करके शुबाना की सारी बातें सरमत को याद आने लगी। वो सफेद फूलों वाली साड़ी, वो बॉडी स्प्रे की खुशबू, वो लिपस्टिक, वो झुमके, हफ्तरंग चूड़ियां, बालों में गुंदे हुए मोती और गुलाब के फूल, ये सब कुछ भी नहीं था। उसकी जगह दवाओं की बोतल थी, दवाओं की बू थी, जड़े जड़े बाल थे, अस्पताल का धारीदार लिबास था और हड्डियों पर लम्हा बलम्हा उतरती मौत थी। और फिर क्या हुआ? उसने सरमत से पूछा। कल मेरे फोन का इंतजार करेंगे ना? सरमत ने असबात में जवाब दिया था। फिर क्या हुआ था? अस्पताल के सफेद तकिए को सरमत का सीना बनाकर सो गई थी हमेशा के लिए। वो सोचता रहा, औरत क्या है, कैसा मम्मा है, कैसी पहेली है। वो सोचता रहा और आंसू का खामोश दरिया उसके हलक में गिरता रहा। इसके साथ ही ये किताब अपने अहतमाम को पहुंची।